नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे वर्टिन 24 एमजी टेबलेट का और जानेंगे यह कौन सी प्रॉब्लम में दी जाती है, कितने दिनों तक इसका यूज़ करना चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कौन सी सावधानियों के साथ इस टेबलेट का यूज़ करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। वर्टिन 24 एमजी टेबलेट अबॉट कंपनी इसे बनाती है, यानी अबॉट कंपनी द्वारा इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्राइस की बात करें दोस्तों, ये थोड़ी महंगी आती है, 425 रुपये की 15 टेबलेट ये आपको हर केमिस्ट स्टोर पर मिल जाएगी दोस्तों। 24 मिलीग्राम में आती है, इसका मतलब ये थोड़ी महंगी होगी, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जो इसके अंदर जो सोल्ट आता है बिटा सिस्टीन डाई हाइड्रोक्लोराइड दोस्तों, ये थोड़ा महंगा सोल्ट आता है, इसलिए ये इतनी महंगी है। बात करें कौन सी प्रॉब्लम में दी जाती है, तो दोस्तों इस टेबलेट का यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये परचेस लेने वाला दवा है, सेल्फ यूज इसका मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये चक्कर की प्रॉब्लम में दी जाती है, अगर बार बार चक्कर आ रहे हैं या फिर चक्कर के साथ साथ आपका जी घबरा रहा है, वोमिटिंग हो रही है, सोते समय चक्कर आ रहे हैं या उठते समय चक्कर आ रहे हैं, सर भारी रहता है, तो इस प्रॉब्लम में यह आपको ले दी जा सकती है डॉक्टर के द्वारा दोस्तों। साइड इफेक्ट इस टेबलेट कुछ हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोगे तो इसके बाद आपको वोमिटिंग हो सकती है, लेने के बाद पेट में गड़बड़ी हो सकती है, लाइट सरदर्द रह सकता है, या कुछ और भी साइड इफेक्ट दिखे तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। सावधानी टेबलेट की कुछ है, जैसे कि प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ले सकते हैं। और अगर आपको बिटा हिस्टीन जो इसके अंदर सोल्ट आता है, इंग्रेडिएंट आता है, उसे एलर्जी हो तो उसे डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा, एल्कोहल के साथ इसे कंज्यूम मत कीजिएगा, उसके बाद कर सकते हैं दोस्तों। इस टेबलेट की डोज की बात करें तो कभी भी आपको कोई दिक्कत और चक्कर आने की, उस टाइम आप इस टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं, 4-5 घंटे के अंतराल में एक टेबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। फुल रिव्यू था दोस्तों वर्टिन 24 एमजी टेबलेट का। कमेंट बॉक्स में बताएगा और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे।